जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा। रोमाना इसार खान जो कि एबीपी न्यूज की तथाकथित स्टार एंकर है, इतने सारे शोज करती हैं, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी ले चुकी हैं, लेकिन रोमाना इसार खान इस बार अग्रेसिव मोड में नजर आ रही हैं, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए होंगे। और बीजेपी को क्या लताड़ने का काम, क्या धोने का काम रोमाना ने किया है, ये अपने आप में दिलचस्प है। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करती हूँ। कोई बात नहीं पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो सबको अच्छे नहीं लगे। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना। कोई बात नहीं, अब जरा आशुतोष जी को लेकर आते हैं चर्चा में। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत पर्सनल हो रहे हैं पंडित शुक्ला जी, इतना परेशान मत होइए। आपके पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम समझ रहे हैं आप फंस गए, हम समझ रहे हैं। इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी, बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं पंडित शुक्ला। अब आशुतोष जी को लेकर आइए, हो गया इनका। ये हिंदू, देखिए इस ट्वीट को पढ़िए क्या लिखा है इस ट्वीट में। रोमाना इसार खान ऑफ एबीपी न्यूज courageously handled derogatory remarks from a BJP panelist, a rare instance where Indian journalists exemplify their profession. मतलब आप देख सकते हैं कि लोगों को भी ताज्जुब हो रहा है कि क्या भारत के पत्रकार वाकई इतने courageous, इतने बहादुर है भी कि जिस तरीके से रोमाना इसार खान ने, बहुत ही कम इंस्टेंस, बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि इतनी बहादुरी से कोई पत्रकार वापस जवाब दे रहा है, और वो भी बीजेपी को, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विपक्ष दल के नेताओं को, प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है और उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन रोमाना इसार खान ने, ये जो वीडियो में आपने देखा, जिस प्रकार से प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को धोने का काम किया है, आईना दिखाने का काम किया है, वो अपने आप में सराहनीय। दरअसल दोस्तों, पूरा का पूरा वाक्य इस प्रकार से हुआ कि प्रेम शुक्ला और तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर आए थे, और मुद्दा सिंगोल को लेकर था कि जिस तरीके से संसद भवन में सिंगोल को लेकर पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तानाशाही को रिप्रेजेंट कर रहा है या लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सिंगोल विषय था। अब सिंगोल को लेकर प्रेम शुक्ला अपनी बात रख रहे थे तो रोमाना ने उन्हें को इंटरप्ट किया, तो रोमाना को वो खान एंकर खान साहब कुछ ऐसा संबोधित करने लगे कि मैडम खान। तो मैडम खान यानी कि आप सांप्रदायिकता की बीज डाल रहे हैं, आप नफरत और तुष्टिकरण वाली चीज कर रहे हैं, और ये भी एंकर से आप ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में रोमाना इतनी ज्यादा बिलबिला उठी, और बिलबिलाना बिल्कुल लाजमी था कि आप अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उन्हें इस प्रकार से खान मैडम कहकर वो सांप्रदायिकता वाला भाव ला रहे। तो रोमाना ने उल्टा इन्हें, प्रेम शुक्ला को, पंडित साहब कहने लग गई और कहा कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो गलत है, उसे पूरा खंडन किया। और न केवल खंडन किया बल्कि इसके बाद जब प्रेम शुक्ला ज्यादा ही आक्रामक होकर ये कह गए कि मैंने आपसे सवाल किया तो आपका बुर्का फाड़ने का काम किया और तमाम चीजें उन्होंने कही, फिर रोमाना और ज्यादा अग्रेसिव हुई कि कहा कि मैं मुसलमान हूं तो आप ये समझ रहे हैं कि इसे बुर्का पहनना चाहिए और बुर्का फाड़ दिया, और तमाम जैसे सांप्रदायिकता और महिला विरोधी बातें प्रेम शुक्ला करते हुए नजर आए, और जो अक्सर प्रवक्ता करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और रोमाना ने लताड़ने का काम यहाँ पर किया, और ये बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि
रोमाना ने जो जवाब दिया है प्रेम शुक्ला को, ये बहुत ही कम ऐसे मौके हैं जब देखने को मिलता है। और सवाल ये है दोस्तों कि आखिर क्यों ये एंकर्स तब जब खुद पर आती है बात तब इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, जब एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को कुछ कहता है, गालियां तक दे देता है या अपने ऊपर कोई बात कहता है। जैसे आपको याद होगा आशुतोष ने किस तरीके से आज तक में एक डिस्कशन पर जो नस्ल भेदी है टिप्पणी पर हो रही थी उससे संबंधित उन्होंने बताया कि मुझे नस्ल भेदी होता हूं मैं और मुझे सामना करना पड़ता है इस टिप्पणियों का, मुझे कलुआ बुलाया जाता है। तो चित्रा त्रिपाठी कितनी बेशर्मी से हंस रही थी, और अब रोमाना इसार खान को अगर खान मैडम कह दिया और ये बातें कह दी, हालांकि बिल्कुल गलत और मैं सराहना भी कर रही हूँ रोमाना की, लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जब इस तरीके से कहा जाता है तब ये बेशरम पत्रकार इन्हें तब समझ आता है जब इनको व्यक्तिगत तौर पर कोई कहता है कुछ। ये कलुआ शब्द अगर आशुतोष ने किसी एंकर को कह दिया होता या किसी दूसरे पैनलिस्ट को कह दिया होता तब चित्रा किस अंदाज में नजर आती, ये बात किसी से छुपी नहीं। लेकिन दोस्तों ये बगावत वाले स्वर में आखिरकार ये पत्रकार नजर क्यों आ रहे हैं, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल। सुधीर चौधरी कितने बागी नजर आ रहे हैं, वो मुगलों की प्रशंसा कर रहे हैं जिस मुगलों पे ये प्राइम टाइम करते हुए अपने डीएनए अपने व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में लगातार गालियां देने का काम मुगलों को करते हैं, उस मुगलों की प्रशंसा कर रहे हैं और सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क क्यों टूट रही है, 11-12 दिनों में 6 पुल कैसे ठह गए बिहार में, हरियाणा में किस तरीके से बारिश में रोड बनाने का काम किया जा रहा है, और लगातार दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? टैक्सी ड्राइवर की जो जान जा रही है इसके लिए प्रशासन किसे जिम्मेदार ठहरा है? याद होगा आपको मनोज तिवारी की बखिया उधेड़ने का काम अर्पित आर्या ने किया था। लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि आखिरकार ये न्यूट्रल गियर में अब ये जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें रिवर्स लेना है, गाड़ी घुमानी है, तो पहले ये न्यूट्रल ले रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रल से अब ये गियर बदलेंगे या रिवर्स लेंगे। तो ये जनता के साथ आपने जो 10 सालों में पत्रकार महोदय महोदया तमाम लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया उसका हिसाब किताब कौन करेगा? खुद की बात आती है तो आप इतनी ज्यादा विचलित हो जाती हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों को लेकर जो बातें कहते हैं, जो भद्दे टिप्पणियां कहती है कि कांग्रेस जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी, मुजरा वाला बयान, मंगलसूत्र वाला बयान, तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता? यानी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस प्रकार खुद प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं तो आप डिफेंसिव नहीं नजर आती, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर जब कोई कहता है तब आप इतनी ज्यादा डिफेंसिव नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके भी सवाल कितने ही बेतुके थे, वही घिसा पिटा सवाल जो आपको पकड़ा दिया गया था वही आप पूछकर आ गए। तो रोमाना अगर बहादुरी आपको और दिखानी, हालांकि मैं इस बात की सराहना कर रही हूं, लेकिन ये डिफेंसिव मोड पर हर कोई इंसान करता है, आप तो खैर एक पत्रकार है तो आप तो बिल्कुल करेंगे और बखूबी करेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर ये चीजें आएंगी, जब देश के मुसलमानों को आज नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 48 घंटे में 7 लाख मुसलमानों को काट दिया जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, तो आखिर देश का अल्पसंख्यक सुरक्षित कहां है? और जब टीवी में बैठकर एक पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान को बुर्का फाड़ दे और ये तमाम तरीके के भद्दे टिप्पणी देता है तो उस पार्टी के अंदर कितनी नीचता और कितनी उसकी मानसिकता में गंदगी भरी है, ये भी किसी बात से छुपा नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर? और रोमाना इसार खान ने जो प्रेम शुक्ला के बारे में उसको आईना दिखाने का काम उस प्रवक्ता को किया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही।